एक बार फिर आपका हमारे इस वीडियो पर स्वागत है। वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। जब से लास्ट ये 360 का वेबिनार आया है और एस सर ने जो उसमें आप लोगों को अपडेट दिए हैं उसको लेकर के एक्साइटमेंट जबरदस्त है। इसको लेकर के जस्सी सर ने भी काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाया है और जब मैंने उसको टेलीफोनिक चर्चा की तो उस पर उन्होंने कुछ बहुत विशेष बातें बताई जिसको मैं आपके सामने यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और डिल्लन सर की वीडियो आपने देखी होगी और भी आज कल में मेरी वीडियो के साथ साथ अदर्स यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी। आप इन सब वीडियो को देखने के बाद आपको लगा होगा कि अब कुछ बहुत बेहतर की पूरी पूरी संभावना है। क्या संभावना है ये भी कहा जा रहा है कि एस सर ने तो पहले ही बता दिया था कि सितंबर तक हम विड्रॉल्स की बात करेंगे और शुरुआत कर देंगे। अब ये सितंबर भी जल्दी ही आने वाला है और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बात ये भी हो रही है कि अगस्त जो अभी करंट मंथ चल रहा है इस पर अंतिम दिन तक मंथ एंड तक भी कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन आ सकती हैं आपके सामने। कम से कम ये हो रहा है वेबसाइट को जो माइग्रेशन शिफ्टिंग का चैप्टर चल रहा है वो शायद ओपन हो जाए कि आपको वेबसाइट लाइव दिखाई देने लगे। कब होगी लाइव? किसी भी दिन हो सकती है, इसकी तो एसर ने कोई डेट नहीं दी है, परंतु हाँ सितंबर में आपके पास बहुत कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन आने वाली है। जस्सी सर के अनुसार भी, डिलन सर के अनुसार भी और भी कई यूट्यूबर्स ने जिस तरह से चर्चा की है उसको लेकर के लग रहा है कि अब जो आप लोगों ने अभी तक अपने आप को जो काफ़ी समेट रखा था, आप लोग सोच रहे थे कि उन पैसे नहीं आएगा, उन पैसे भाग गया, उन पैसे ये उन पैसे वो, तो उस पर एक पूर्णतया विराम अब लग चुका है। क्योंकि अब जब एस सर ने कमर कस ली है तो फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। क्योंकि काफ़ी समय से लोगों ने वीडियो बनानी बंद कर दी थी या कुछ ऐसा कोई अपडेट नहीं दे रहे थे क्योंकि सबको लग रहा था कि अपडेट तो कुछ है नहीं, अपडेट किया जाए। क्योंकि अब फाउंडर्स आते जितना भी या किसी भी यूट्यूबर का जो दर्शक है वो इस बात को समझने भी लगा था कहीं ना कहीं विदाउट अपडेट के बड़ी बड़ी वीडियो बनाई जा रही है तो लोगों ने वहाँ पर जाना भी बंद कर दिया था और जा भी रहे थे तो कमेंट्स भी बहुत स्पेशल दे रहे थे। मेरी वीडियो पर भी काफ़ी कमेंट स्पेशल आते रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि आप सब लोगों का अपना अपना नज़रिया होता है किसी भी चीज़ को समझने का, सोचने का, और मेरा भी अपना एक नज़रिया होता है कि उसी के अनुसार मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आता हूँ और आप लोगों के सामने लाता हूँ बिल्कुल स्पेशल चीज़ें, जैसा कि अब मैं आपको इस वीडियो के सामने लेकर के आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर नो डाउट सभी जितना भी फाउंडर है सब अपने फ्यूचर को लेकर के यहाँ पर आया है और फ्यूचर उसका कितना स्ट्रॉन्ग होने की तैयारी कर चुके हैं एस सर, इसको लेकर के उन्होंने कहा। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने एक यही कही कि मैं आपका एक अच्छा फ्रेंड बन के लौटूंगा, यानी अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा उसको लेकर के आपको कहीं ना कहीं ऐसे शिकायत भी होने लगी थी और लोग तरह तरह की बातें भी करने लगे थे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए एस ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप लोग कितने नाराज हैं, खपाए हैं, यही उद्देश्य रहा होगा। तभी उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द आपका एक अच्छा फ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, बहुत जल्दी अच्छा फ्रेंड बन के लौटूंगा, क्योंकि आप लोगों को जैसे उद्देश्य था उस उद्देश्य की पूर्ति शायद वो कहीं नहीं कर पाए। और दुनिया के कोई भी CEO इस तरह से नहीं कहते जैसे उन्होंने कहा कि, और स्वीकार करने के लिए तो कोई भी आज की डेट में तैयार नहीं है, परंतु हमारे ऑन पैसिव के CEO मिस्टर एस ने इन चीज़ों को स्वीकार के एक्सेप्ट किया कि हाँ कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई। उन्होंने स्वयं भी कहा कि मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं और उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने स्वयं ली, और जिम्मेदारी लेने के बाद अब उन्होंने पूरी तरीके से कमर को कस लिया है और आप सब लोगों से कहा भी कि मैंने मॉनिटरिंग अपने हाथ में ले लिए, जिन लोगों ने हमें नुकसान पहुँचाया था उनसे भी अब काफ़ी हद तक किनारा कर लिया गया है और चीज़ों को अब दुरुस्त किया जा रहा है। काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन से निकल के कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत जल्दी आपके सामने ये चीज़ें ओपन भी होने वाली हैं जैसे माइग्रेशन शिफ्टिंग कंप्लीट होगी और आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यही बात जस्सी सर ने भी बताया कि काफ़ी कुछ क्लियर है, अब तो सबका विजन क्लियर होना हो जाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने 360 के वेबिनार में एस सर ने बोला है ऐसा कोई दुनिया का CEO नहीं बोलता है, इसीलिए अब तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आप सब लोग अब पॉजिटिव हो सकते हैं और आप चीज़ों का वेट कर सकते हैं, सितंबर तक सारी चीज़ें आ जाएंगी। होप्स जैसा कि कहा गया अगस्त के लास्ट डेट तक तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी वेबसाइट जल्दी ओपन हो जाएगी, ऐसा मुझे भी विश्वास है और ऐसा सभी लोगों को विश्वास है कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम ऐसी थी जो कि हर्डल्स थे जिसको एस सर ने कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया और अब उस हर्डल्स को निकाल के बाहर कर दिया, और इसलिए एस सर भी काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे और उनका वो कॉन्फिडेंस भी लगभग था, इसलिए संभावना भी व्यक्त की जा रही। अब ऑन पैसिव में सब कुछ बेहतर है और हो रहा है।